पता नहीं ये जो अच्छे अच्छे रोड्स होते हैं ना उस पे ड्राइव करने की एक फैंटेसी अलग लेवल की होती है। बलेनो टो करके जाएगी थार को। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। एक दिन के अंदर थर्ड टैंक डीजल, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ भी। 2 दिन में 2000 किलोमीटर और उसमें भी एक दिन में 1300 किलोमीटर। टोटल हमारी 2 दिन के किलोमीटर जो है 2074.9 यानी 2075 किलोमीटर हुए हमारे 2 दिन के अंदर। ये देखो सुबह सुबह की मेहनत चल रही है। पिछले वीडियो में आप लोग ने देखा होगा कि ग्लास के ऊपर जो सारे बग्स मर गए थे ना वो भी साफ करने पड़ रहे सो दैट वी कैन हैव अ गुड विजिबिलिटी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग ड्रीम्स, जहाँ सपने होते हैं सच, वेयर वी लिव आवर ड्रीम्स, एंड दिस इज आवर डे 2 एंड वी आर इन रतलाम, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लेह। और अपनी जनता गाड़ी के अंदर सवार हो रही है, ये बलेनो निकल रही है, यहाँ पे अपनी थार निकल रही है। भाई कल रात को है ना मस्त नींद आई, हम लोग ऑलमोस्ट 12 बजे सो गए थे और अराउंड 6:30 बजे उठे, फिर आराम से रेडी हुए, फिर फिलहाल 8:15 हुए हैं और हम लोग हमारी जर्नी रिज्यूम कर रहे हैं कोटा रतलाम से। कितना कंफ्यूजिंग है ना, कितने सारे सिटीज के नाम चल रहे दिमाग के अंदर यार। सो फिलहाल रतलाम से निकल के हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग लुधियाना पहुंच जाए, विच इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1000 किलोमीटर्स, 1000 से 1100 किलोमीटर के बीच में है और टाइम दिखा रहा था 16 से 17 घंटे। बट आई बिलीव के रास्ते अच्छे हैं, सो ईटी और कम होना चाहिए, रास्ता अच्छे से कवर होना चाहिए, अब वो तो वक्त ही बताएगा। तो आज की जर्नी शुरू करते, पीछे मस्त सामान लाद दिया है हम लोगों ने एंड वी आर ऑल सेट फॉर आर डे 2 जर्नी ऑफ ले। और यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने रतलाम एग्जिट किया, रतलाम एग्जिट करके तुरंत अपनी एंट्री हो रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर। तो अगर आप लोग थोड़ा चैनल पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को पता होगा अभी रिसेंटली जो हमने वडोदरा वाला ट्रिप मारा था ना, उस वाले ट्रिप के अंदर हम लोग भरूच से वडोदरा तक हम लोग डीएमई के ऊपर गए थे। और अभी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन डीएमई एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन दिस रोड हम लोग आ रहे हैं। तो ये वाला पैच तो हम लोग पहली बार कवर कर रहे हैं, बट खुशी देख रहे हो, खुशी डीएमई पे आने की खुशी। भाई ये रोड पूरा रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद क्या मजा आएगा, बट फिलहाल जितना रेडी है, जितना खुला है, उसका मजा उठाते हैं। रतलाम से जैसे ही आप डीएमई एंटर करते हो ना, इतना सुपर्ब व्यू आता है, यहाँ पे लिखा है वेलकम टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और सामने इतनी प्यारी सी पवन चक्की आए ना, हमें आगे जाके ऐसे रिंग ऐसे कवर करके फिर मेन जो अपना दिल्ली साइड वाला जो रोड है वो हम लोग को कनेक्ट करना है। ये ऊपर दिख रहा है ना वेलकम टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, यार पता नहीं ये जो अच्छे अच्छे रोड्स होते हैं ना उस पे ड्राइव करने की एक फैंटेसी अलग लेवल की होती है। ये वाला नजारा देखो यार, ये नजारा देखो, वाव। हम लोग ऐसे सर्कुलर रोड से डीएमई के ऊपर चढ़ रहे हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मस्त पवन चक्की आए, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एंड अडोरेबल व्यू। क्या अमेजिंग रोड है ये, बहुत 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 मजा आ रहा है इस पे ड्राइव करने का, आई कैन नॉट टेल यू। एंड फिलहाल हम लोग 110 की स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कैमरास चालू है कि नहीं, बट वट एवर इट इज 120 का लिमिट है तो अपन विद इन लिमिट से ड्राइव करते हैं। बस देर इज वन कैच, अपना फ्यूल सिर्फ 25% बचा है और भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे कोई फ्यूल पंप वगैरह कुछ नहीं है। अभी हमने मैप्स वगैरह के ऊपर चेक किया तो आई थिंक नेक्स्ट स्टॉप जो है ना वो ऑलमोस्ट 130-140 किलोमीटर के बाद है और ये तो फ्यूल घटकती है, तो देखते हैं यार। अभी वी डोंट वॉन्ट टू बी एंड अप इन अ सिचुएशन, वरना फिर क्या करना पड़ेगा पता है, बलेनो टो करके जाएगी थार को। वर्स्ट केस यही होगा कि बलेनो से हम लोग थार को बांध देंगे और फिर बलेनो थार को खींच के जाएगी पेट्रोल पंप तक, ये हालत हो सकती है। दूर दूर तक इस वाले रास्ते पे देखो ना तो सिर्फ ग्रीनरी नजर आती है, बैरिकेडिंग नजर आती है और ये आगे हाईवे तो नजर आता है, दैट्स इट। कुछ नहीं है भाई ये इस वाले हाईवे के ऊपर, कुछ नहीं है, बट इट इज मैग्निफिसेंट, मतलब आउट ऑफ नोवेयर पूरी ग्रीनरी और फॉरेस्ट के बीच में से ये वाला रास्ता निकाला है। आसपास में इतने सारे फार्म्स है, इतने प्यारे लैंडस्केप व्यूज है
और हम लोग फिलहाल सुबह 9:15 हल्की सी गर्मी हो रखी है बाहर, उस टाइम पे ये वाला रोड से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एंड द व्यू इज जस्ट गेटिंग बेटर 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 एंड बेटर। जहां तक देखो ना, या तो ग्रीनरी नजर आएगी या फिर रास्ता नजर आएगा। ट्रैवल करते वक्त है ना, होममेड खाना लेके आने का ये फायदा है। यहाँ पे इन द मिडल ऑफ नोवेयर हम लोग को लिटरली कुछ नहीं मिला। ये देख रहे हो ये डीएमए के ऊपर, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, फूड कोर्ट वगैरह पेट्रोल पंप सबका काम यहाँ पे चालू है, बट लिटरली पूरा खाली बंजर पड़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अभी मस्त हम लोग खाना कैरी कर रहे थे साथ में, यहाँ से एक टपरी से चाय ले ली और ये वाले स्नैक्स खा रहे हैं, और ये हम लोग का आज का ब्रेकफास्ट है। हमारा ब्रेकफास्ट तो हो गया बट इसका ब्रेकफास्ट बाकी है, इसका ब्रेकफास्ट नहीं हुआ अभी तक। तो टेंशन इसी चीज की है क्योंकि यहाँ पे हमने पूछा अभी तो आगे कोई भी पंप वगैरह कुछ नहीं है, बट आई गेस 80 किलोमीटर के अंदर हमारा एग्जिट है, तो एग्जिट के ऊपर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, क्योंकि हम लोग ये थ्रू आउट कंटिन्यू नहीं कर रहे, बीच में से अपना कट आएगा। कट आता है वैसे बताता हूँ हम कहाँ से कट रहे हैं। लेसन लर्नड, जैसे हम लोग डीएमई के ऊपर थे तो वहाँ से हम लोग ने जहाँ पे ना ब्रेकफास्ट किया वहाँ से तुरंत एक एग्जिट था, वो एग्जिट लेके स्पेशली हम लोग को 2 किलोमीटर आना पड़ा टू गेट डीजल, क्योंकि अभी हम लोग का जो रूट है ना वो रीरूट हो चुका है। हम लोग सोना से एग्जिट कर रहे हैं तो आई थिंक डीएमई थ्रू आउट जाएंगे हम लोग, तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग का रास्ता थोड़ा सा लंबा है, सो वी थॉट कि इट इज़ बेटर कि भाई हम लोग डीजल भरवा ही ले यहाँ से। एंड एक बात, जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू कम दिस साइड, और अगर आप रतलाम से एग्जिट कर रहे हो, मेक श्योर कि रतलाम से पहले ही आप अपना पेट्रोल डीजल जो भी है वो डलवा लो, क्योंकि भाई आगे कुछ नहीं मिलने वाला। रतलाम से झालावर की तरफ ये रास्ते का एग्जिट है, तो यहाँ से आगे रोड बंद है, सो रतलाम से झालावर ऑलमोस्ट आई डोंट नो शायद 200 किलोमीटर होगा आई एम एज्यूमिंग। तो उतना तो हम लोग ने एकदम सट्टा सट कवर कर लिया, बस बीच में फ्यूल की वजह से हम लोग को एक स्टॉप लेना पड़ा, बाकी उसके अलावा तो मैं बोल रहा हूँ हम लोग 110-120 पे कॉन्स्टेंटली आए, और भाई 35-35, 40-40 रुपए में इतना बढ़िया हाईवे अभी यूज करने को मिल रहा है, बोलो क्या अलग लेवल का मजा आ रहा है अभी, क्योंकि यार अभी तक ये वाला रोड है ना फुल्ली फंक्शनल नहीं हुआ, तो उसकी वजह से यहाँ पे टोल का प्राइसेस एकदम मतलब एकदम कम है। और ये हर जगह पता नहीं दिक्कत आ रही है यार, अपना फास्टैग है ना तुरंत रीड नहीं कर रहा, टाइम लगता है इसको रीड करने में, एक बार ग्लास भी साफ करना पड़ता है तब जाके डिटेक्ट करता है, बट ठीक है। तो 35-40 रुपए में ये वाला रोड यूज करने को मिल रहा है यार, अभी इतने मस्ती से हम लोग 200 किलोमीटर आ गए ना, मजा आ गया एकदम सट्टा सट। यहाँ पे हो रहा है अपना स्टेट चेंज, सो मध्य प्रदेश को गुड बाय बोल के हमारी एंट्री हो चुकी है राजस्थान के अंदर। वेलकम टू राजस्थान। ये आई बिलीव हम लोग एंटर हो रहे हैं NH 52 के ऊपर, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का यही है कि उसका जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है ना वहां से लेके अगर आपको वापस दूसरे हाईवे के ऊपर आना है तो थोड़े से गांव वगैरह के गो थ्रू करना पड़ सकता है, बट वो सारे रास्ते अमेजिंग है। एंड सिमिलरली राजस्थान के रोड्स भी बहुत माइंड ब्लोइंग है, सो अभी हम लोग को तकरीबन 30-35 किलोमीटर हुए होंगे राजस्थान बॉर्डर एंटर करके, और फिर उसके बाद से जो पूरा वो गांव वाला रास्ता था वो कवर करके हम लोग आए, और फिलहाल हम लोग वापस से NH 52 के ऊपर कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये वाले रोड से नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हरियाणा, सो दैट इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और भाई जी कैसी लगी कचौड़िया? मजेदार एकदम। सो यार हम लोग कोटा आए थे और हाईवे के ऊपर ही हमारी एक फ्रेंड है सोनल करके, कुछ ना कुछ ब्लॉग्स में आपने देख लो गया होगा उनको, उसने रेकमेंड किया कि भाई यहाँ पे हाईवे के ऊपर ही हम लोग को जय जिनेंद्र की कचौड़ी मिल जाएगी, ये जो स्ट्रक्चर है ना इसी के एग्जैक्टली सामने। तो यहाँ पे हम लोग ने ले लिए प्याज की कचौड़ी, दाल कचौड़ी, लस्सी और जलेबी, और ये सब है कैसा वो तो बताओ। और कोटा शहर की कचौरी खा के कोटा को बाय बाय कह के हम लोग निकल पड़े जयपुर के तरफ, और फिर वहां से हरियाणा एंटर कर जाएंगे आगे से। सो यहाँ से 81-82 किलोमीटर्स के लिए हमको कंटिन्यूअसली यही सिंगल लेन वाले हाईवे के ऊपर चलना है, जो हम लोग को आगे जाके जयपुर वाले हाईवे पे कनेक्ट करेगा। सो दिस इज हाउ ओवरऑल द कनेक्टिविटी इज। और भाई ये जो रोड ट्रिप पे भरी दोपहर में जो हल्का फुल्का सा खाना होता है ना, हम लोग का प्लान तो मस्त लंच करने का था, फिर सोनल के रिकमेंडेशन पे हम लोग वहां पे रुक गए, फिर लस्सी पेट में गई, फिर कचौड़ी पेट में गई, फिर जलेबी पेट में गई,
और भाई अभी पेट भरा भरा लग रहा है और आंखें भी ऐसे भारी भारी लग रही है और भरी दोपहर है और हम राजस्थान में है। इसका भी अपना अलग मजा है यार, सच बताऊं तो। जैसे इवन समर्स के अंदर अगर आप आफ्टरनून में ट्रैवल कर रहे हो, यू आर इन योर ओन ककून राइट, हम लोग गाड़ी के अंदर ही है, हमको कहीं बाहर मुश्किल से 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए उतरना होता है, दैट्स इट। उसके अलावा हम लोग गाड़ी के अंदर ही होते हैं एसी के अंदर इन आवर ओन कम्फर्ट जोन, इसका भी अपना अलग मजा है यार। हम लोग ऑलमोस्ट जयपुर से 200 किलोमीटर दूर है और कब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द नीचे से क्रॉस कर रहे हैं। तो फिलहाल तो ऐसा है कि यहाँ पे डीएमई का कंस्ट्रक्शन, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन चालू है, पर एक बार अगर चालू हो गया ना उसके बाद तो गूगल मैप्स घुमा फिरा के हमको वहीं से ले जाएगा, बिकॉज ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा। वो मेहमान नहीं आता कि नहीं आपको नहीं जाना, आपको कल ही जाना है, आपको यहां से ही जाना है, फिर गूगल मैप भी हमें वो वाले मेहमान की तरह ट्रीट करेगा कि नहीं आपको इर्द गिर्द से नहीं जाना है, आपको डीएमई से ही जाना है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हो गए हमारे 1000 किलोमीटर। यस, वी हैव क्रॉस्ड द लैंडमार्क ऑफ 1000 किलोमीटर्स। 2500 किलोमीटर्स टू गो ओनली। खतरनाक गर्मी है यार, बहुत खतरनाक गर्मी है। सो फिलहाल अपडेट ये है, यहाँ से ऊपर चढ़ के हम लोग वापस से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जाएंगे। ये जो रास्ता जा रहे हैं ना, दैट इज अगेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो हमें यहाँ से 160 किलोमीटर के बाद जयपुर और मोस्ट प्रोबेबली जयपुर से आगे भी सोना तक मोस्टली हम लोग डीएमई से ही जाएंगे। तो फटाफट आगे का रास्ता हमारा कटने वाला है, नेक्स्ट फ्यू किलोमीटर हम लोग के बहुत फटाफट जाने वाले हैं, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर नाउ। बट जो सिचुएशन हम लोगों की हुई थी ना यहाँ पे आते वक्त के फ्यूल एकदम खत्म होने वाला था, वैसे सेम सिचुएशन अभी यदु लोगों की हुई कि उसका फ्यूल खत्म होने वाला था, 100-125 किलोमीटर की रेंज बची थी और हम लोग डीएमई एंटर कर रहे थे, तो हमने कहा रिस्क नहीं लेना, तो वो वापस से यूटर्न लेके फ्यूल भराने गया है और अपन यहाँ पे अपनी सेक्सी सी थार के साथ वेट कर रहे हैं। मस्त लग रही है ना, है ना, बहुत गंदी है अभी, बट अभी तक तो सोफार जो चलाने का मजा आया है ना भाई, अभी तक तो थार अपने टेरेन में नहीं पहुंची, अभी तक तो हाईवे का सफर तय कर रही है, बट फिर भी जो मजा आ रहा है ना अभी चलाने का। और अभी 200 किलोमीटर लाइक 200 किलोमीटर हमें भरी दोपहर में इसी वाले रास्ते पे बिना कुछ किए गाड़ी को क्रूज कंट्रोल पे डाल के बस ऐसे ही चलाना है, लाइक लिटरली ऐसे ही चलाना है, कुछ करना नहीं है भाई, इसे बस क्रूज कंट्रोल में डाल दिया और गाड़ी सब कर रही है अपने आप, बस हमें स्टीयरिंग को राइट लेफ्ट करते रहना है, दैट्स इट 200 किलोमीटर। बट सही है यार, हमारा एटलीस्ट इतने वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन एकदम फटाफट कट जाएगा, और क्या चाहिए यार। भाई मुझे तो ऐसा लगा था कि आज पूरे टाइम अपना डीजल निकल जाएगा, बट नहीं, शाम के 5 बजे वापस से एक बार डलवाना ही पड़ा और 36 ऑलमोस्ट 37 लीटर्स का डीजल गया है, 3600 का डीजल वापस से डलवाया। और ये वाले रास्ते में आप लोग को मुश्किल से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। सो ऑलवेज इंश्योर दैट बिफोर यू टेक दिस रूट, सबसे पहले अपना फ्यूल डलवा के आइए। एंड सेकेंडरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के चाबी बाहर छूट गई थी, तो ये बता रहा था कि टॉपअप पहले से करवा लीजिएगा। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कुछ खाना कैरी कर लो, बिकॉज इक्का दुक्का छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे खुली है और कुछ कोस्टा केएफसी वगैरह डोसा के पास कहीं पे खुल रहा है, बट उसके अलावा पूरे 300-400 किलोमीटर के पैच पे कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं। तो भाई इतनी चीज़ों का ध्यान रखो, और अपनी गाड़ी की रेंज बहुत कम है यार, मतलब अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उसने आज बहुत डीजल गटका है भयंकर, क्योंकि हम लोग मुश्किल से पूरे दिन में 400 किलोमीटर चले, तो 400 किलोमीटर में 36 लीटर तो मतलब 10 का एवरेज। मस्त शाम है ना ये वाली, जैसे मैं पिछले कुछ वीडियोस में बोल रहा हूँ, समर्स की सनसेट्स एकदम ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा। और फिलहाल 7 बज चुका है और हम लोग 54 किलोमीटर्स पहले हैं अभी जो हम लोग का एग्जिट है यहाँ से वो, और वी आर टारगेटिंग के मूर्थल तक पहुँचते, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट सुबह 7:30 बजे निकले थे और अभी 7 बज चुके हैं, तो ऑल इन ऑल अगर ऐसा देखा जाए तो हम लोग 11:30-12 ही पकड़ लो यार, 12 घंटे से हम लोग कॉन्स्टेंटली चल ही रहे, और बीच बीच में ब्रेक्स लिए हम लोग ने, बट उसके अलावा मोस्टली तो हाईवे पे ही रास्ता गया है। एंड आज मेजॉरिटी किलोमीटर्स जो हम लोग के गए वो डीएमई के ऊपर ही गए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। सो आगे जाके देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे स्टेप्स क्या रहते हैं।
यदु लोग है ना थोड़ा सा आगे, अभी तो वो लोग वहां से आ रहे हैं. दिस मार्क्स अवर द एंड ऑफ अवर जर्नी ऑन मुंबई दिल्ली, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे. बहुत बहुत ही प्यारा रास्ता था, मजा आया ड्राइव करने में. बस वही था कि हम लोग की जर्नी पिछले दो दिन से चल रही है ना, तो थोड़ा सा एग्जर्शन हो गया. बट यहाँ पे हम लोग रुक नहीं रहे और आगे जाने वाले. वीडियो खत्म मत कर देना. टू गुड एंड वेरी ब्यूटिफुली प्लान्ड यार. हम लोग ने जैसे ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे यहाँ से एग्जिट किया, वैसे हम लोग सीधा घुस रहे हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के ऊपर. बहुत सही यार, बहुत सही है ये. मतलब बीच में कोई विडंबना आ ही नहीं सकती. हम लोग सीधा एक रास्ते से एग्जिट होके सीधा दूसरे एक्सप्रेस वे के ऊपर एंटर कर रहे हैं. सही है ना, एकदम परफेक्टली प्लान्ड है. और फिलहाल हम लोग जो मानेसर बाईपास है वो क्रॉस करके हम लोग वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ रहे हैं. ये उसका टोल भी आ गया आगे, और यदु और ये लोग भी आ गए. एंड अपेरेंटली इट हैपेंस कि आज यदु की बलेनों को 2 साल हो गए. तो यार ये तो भाई मतलब क्या मस्त कोइंसिडेंस हुआ ना कि गाड़ी के 2 साल कंप्लीट करने पे हम लोग उसके साथ रोड ट्रिप कर रहे हैं. दिस इज व्हाट एवरी कार डिजर्व्स. और रात के 9:15 है, और भाई साहब मैं क्या बताऊं, हम लोग ने जो गाड़ी खींची है डीएमई के बाद वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के ऊपर, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के ऊपर, क्या खतरनाक हम लोग ने गाड़ी खींची. और फिलहाल अभी जस्ट हमने लेफ्ट लेके हम लोग एंटर हो रहे चंडीगढ़ दिल्ली वाला जो एक्सप्रेसवे है ना, वो इस वाले रास्ते पे बहुत सारे मजेदार ढाबे आते हैं. और डीसीवी के, फिर अपने दिनेश भाई के, फिर विकास दयाल के जो भी व्लॉग्स देखता हूँ ना, वो लोग इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं. तो इस रास्ते का बहुत अच्छा आइडिया है हम लोगों को, क्या है क्या नहीं, कहाँ पे रुकना है, क्या करना है वो. एंड सेकेंड बेस्ट थिंग इज के यहाँ पे मूर्थल में बहुत सारे ढाबे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ. तो वहाँ पे अमरीक सुखदेव करके एक है, जो मतलब जो लोग इस एरिया से फेमिलियर है उनको पता ही है कि वहाँ के पराठे आर लाइक लिटरली वर्ल्ड फेमस, नॉट जस्ट नॉर्थ फेमस बट वर्ल्ड फेमस, वैसा है. तो देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे जाएंगे, थोड़ी बहुत पेट पूजा करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा रखा जाए. हम लोग फिलहाल आए हैं अमरीक सुखदेव में खाने के लिए, और ये भीड़ देख रहे हो. हम लोग इस टेबल के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा यहाँ पे खड़े रहे, तब जाके ये वाला टेबल मिला है. और हर एक टेबल के अगेंस्ट कोई ना कोई खड़ा है, क्योंकि इतना भयंकर मेला लगा है यहाँ पे भाई, मैं बता नहीं सकता कि मतलब लोग खाने के पीछे पागल है. और अभी टाइम क्या हो रहा है, 10:45 हो रहा है, 10:45 बजे ये हालत है यहाँ पे. क्रेजी 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 सीन. इस जगह का वाइब देख रहे हो इस टाइम पे. और अभी टाइम क्या हो रखा है, टाइम देखते हैं. टाइम हो रखा है एग्जैक्टली 11:30 बजे. 11:30 बजे यहाँ पे ये हालत है, देखो कितनी खतरनाक भीड़ है. अमरीक सुखदेव मूर्थल, अगर आप लोग कभी भी यहाँ पे आओ तो यहाँ पे जरूर खाना. यहाँ का फूड इज मैग्निफिसेंट, बहुत प्यारा खाना है, हर एक चीज अच्छी है. मूर्थल से निकल के हम लोग कॉन्स्टेंटली 80-90 पे चल ही रहे. 1 घंटा हो गया और अभी हम लोग ने करनाल क्रॉस किया है. सो फिलहाल सीन हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि कहीं होटल वोटल लेके रूम लेने का सेंस नहीं बनता, बिकॉज 1 तो बज गए हैं, तो मुश्किल से 5-6 घंटे की नींद होगी. सो बेटर ऑप्शन यही है कि हम लोग चलते जाते हैं जहाँ तक चला पाते हैं, फिर बीच में एक स्टॉप लेके हम लोग क्या करेंगे कि गाड़ी के अंदर ही 2-2 घंटे सो जाएंगे, और फिर देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं. वो बने रही है वीडियो में मेरे साथ, फॉरवर्ड करके मत देखना. देखा वॉकी का सही इस्तेमाल. अंताक्षरी चल रही है अभी. रात को 1:45 बजे हम लोग ऐसे सुनसान हाईवे के ऊपर मस्त आराम से ड्राइव करते करते जा रहे हैं. हल्की फुल्की नींद तो आएगी, तो भाई दोनों गाड़ियों में अंताक्षरी चल रही है. वेलकम टू पंजाब. जैसे ही हमारी अम्बाला से एंट्री, वैसे सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा सामान रीअरेंज किया, पानी पिया, फ्रेश हुए, और ये वाले सनशेड्स जो है वो निकाल दिए. इसका रीज़न क्यों, क्योंकि भाई पंजाब में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है
दिस इज इलीगल एंड आप किसी भी तरह के ब्लाइंडर्स अपनी अपने ग्लासेस पे नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हमने ये निकाल दिया, सामान रीअरेंज कर दिया, थोड़ा हाथ मुंह धो लिया, पानी पी लिया और थोड़े से फ्रेश हो गए। और टाइम क्या हो रहा है अभी, टाइम क्या हो रहा है, सवा दो। तो 2:15 बजे है और देखते हैं कहाँ तक खींच सकते हैं हम लोग। अभी भी स्पेकुलेशन में ही है, हम लोग ने कुछ डिसाइड नहीं किया कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाके क्या करेंगे, कुछ ठिकाना नहीं है भाई। जहाँ तक हिम्मत है, जान है, तब तक जहान है। एंड हियर इट गोज, 3rd tank ऑफ आर डे। एक दिन के अंदर 3rd tank डीजल, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे साथ भी कि भाई एक दिन में अपन ने 3 tank डीजल कंज्यूम किया हो। वेल, अंदर है 25% है, हर बार ऐसा ही होता है कि 25% डीजल होता है, अपन डला देते हैं, तो अभी भी वैसा ही है। बट स्टिल उस हिसाब से भी फिर इतना तो जा रहा है। कितना गया अभी, 32 liters गया। कर दो भैया थोड़ा सा ऊपर तक भर दो। ये सनराइज देख रहे हो। हम लोग लुधियाना से 70 kilometers पहले एक झपकी मारने के लिए रुक गए थे। फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के ऑलमोस्ट 6:15 एंड अरे वाह, सेक्सी सी थार। द मोमेंट यू एंटर इन पंजाब, आपको एक ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी जिसमें अलॉय व्हील ना लगे हो। दैट्स द साइन ऑफ बीइंग इन पंजाब। तो बस यार, रात को बहुत नींद आ रही थी तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी लगा के सो गए। तो यहाँ पे अपनी बलेनो लग गई, यहाँ पे अपनी थार लग गई और मस्त अपन ने ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे की नींद निकाल ली। और अब हम लोग यहाँ से आगे किसी ढाबे वापे पे जाके वहाँ पे चाय पियेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे और फिर यहाँ से हमारी 6.5 घंटे की जर्नी बची है जम्मू की, तो उसको रिज्यूम करेंगे। पंजाबी चूल्हा करके पीछे एक होटल था, तो यार वहाँ पे थोड़ा फ्रेश हो गए हम लोग, ब्रश वश कर लिया, फेस वॉश कर लिया, अभी जाके फ्रेशनेस आई है। और फिलहाल हम लोग 300 किलोमीटर दूर है जम्मू से, तो ऑलमोस्ट 5.5 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा है एंड पहुंच जाएंगे यार। अब तो सीधा यहाँ से हम लोग, सो बेसिकली वो हमने क्या किया, लुधियाना बाईपास कर दिया। एक से ना गाड़ी रास्ते पे ले लेता हूँ भाई, पीछे से देखना पड़ता है, यहाँ पे लोग एकदम रोड रैश की तरह खेलते रहते हैं। तो हमने ना लुधियाना को बाईपास किया, अब फिलहाल हम लोग यहाँ से जलंधर वाला रास्ता ले रहे हैं, फिर जलंधर बाईपास करके हम लोग आगे पठानकोट जाएंगे और पठानकोट से फिर जम्मू का रास्ता पकड़ेंगे। तो ये हम लोग का आज का रूट रहने वाला है। अब जाके थोड़ी फ्रेशनेस आई है, अब एकदम फ्रेश है, तो अब पंजा दबाते हैं और मस्त फटाफट रास्ता काटते हैं। एटलीस्ट जितना अच्छे से कवर कर पाए उतना कवर कर लेते हैं। भाई ये देख रहे हो, मैंने बीच में पोस्ट देखा था कि पंजाब पुलिस ने कुछ 35-40 हाइलक्स रखी है अपनी पुलिस फोर्स में। क्या जबरदस्त लग रही है ना यार पुलिस के पास हाइलक्स, एंड आई बिलीव ये 4x4 वाला मॉडल है। जबरदस्त यार, जबरदस्त, एक नंबर। और फिलहाल हम लोग पंजाब के अंदर ही है, यहाँ से राइट ले रहे हैं टुवर्ड्स पठानकोट। भाई यहाँ पे खतरनाक धूप है। अभी हम लोगों ने पठानकोट क्रॉस किया और 40 डिग्री बाहर का टेम्परेचर है, और पंजाब और ये सब क्रॉस करने के चक्कर में हमने सनशेड्स भी निकाल दिए। बहुत भयंकर गर्मी है यहाँ पे, खतरनाक गर्मी है। फिलहाल 101 किलोमीटर बचे हैं जम्मू को, और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि 3 घंटे दिखा रहा है, तो 2.5 घंटे दिखा रहा है 100 किलोमीटर के लिए, तो दैट इज़ द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट। लास्ट में भाई ये वाला रोड अपना पेशेंस चेक कर रहा है कि ये लोग इंड्योरेंस रन ही हो गया ना एक तरीके से, कि ये लोग कितना खींच पाते हैं। अब देखो हम लोग कल सुबह 7:30 बजे निकले थे और अभी 12:30 बजे है, तो समझ लो मोटा मोटा 31-32 आवर्स तो हम लोग को हो गए राइट, कांस्टेंट चले हुए वहां से। तो भाई एक तरीके से अपना इंड्योरेंस रन ही हो गया। और अगर मैं किलोमीटर की बात करूँ तो लास्ट व्हेन आई चेक तो उस टाइम पे 1800 समथिंग किलोमीटर हुए थे, अभी अगर मैं देखूँ तो 1927 किलोमीटर हुए। तो जब तक हम जम्मू पहुंचेंगे तब तक अपने 2000 किलोमीटर हो जाएंगे, 2 दिन में 2000 किलोमीटर, और उसमें भी 1 दिन में 1300 किलोमीटर। जबरदस्त। एंड दैट इज आवर गेटवे टू जम्मू एंड कश्मीर। यस, वी आर ऑफिशियली एंटरिंग इन जम्मू एंड कश्मीर नाउ। मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं है ये सब रिकॉर्ड करने की, बट आई थॉट बता दूं। तो बेसिकली
किसी एक लड़के का मर्डर हुआ और एक जगह मेन हाईवे के ऊपर उसकी डेड बॉडी पड़ी है एंड लोग धरने पे बैठे हैं एंड रिलीजन को लेके इश्यूज है. कुछ मोमेडन्स ने हिंदू का लड़के का गला काट के उसको रोड पे फेंक दिया एंड देन आई डोंट नो व्हाट नॉट आई डोंट नो मतलब मुझे वो सारे डिटेल्स में नहीं जाना बट उसकी वजह से रोड पूरा ब्लॉक है, रेलवे ट्रैक ब्लॉक है. कब खुलेगा कुछ पता नहीं. और हम लोग तकरीबन पिछले 40-45 मिनट से ऐसे गांव के अंदर अंदर गलियों के अंदर से जा रहे हैं एंड जो रास्ता कटरा वैष्णो देवी होके जम्मू की तरफ जाएगा आई थिंक ये वाला रास्ता हमें वहां निकालेगा. तो 1.5-2 घंटे और एक्स्ट्रा पकड़ के चलो. बट जस्ट व्हेन यू थिंक यू आर अबाउट टू यू नो रीच टू योर डेस्टिनेशन द न्यू एडवेंचर अवेट्स एंड दिस इज दैट न्यू एडवेंचर बट प्रोबेबली एट अ रॉन्ग टाइम. चलो ठीक है, सिचुएशनल चीज है. We can't do anything. सर लेफ्ट साइड टर्न लेना, लेफ्ट साइड टर्न लेके आप जाओगे तो आगे लगभग 7 किलोमीटर आगे की जगह आएगी मानसर लेक है. मानसर लेक पता ना, मानसर लेक पे जाओ, साथ में मानसर में बैठ के जाओ मजे से, फिर उसकी उसी रूप में निकल जाओ, सांबा के पास निकल जाओगे आप वही रूप सीधा ऐसे पर वाला रोड मिलेगा सर. वो जो ब्लू शर्ट में आरएसएस वाले सर थे ना, उन्होंने आज हम लोग को इस सिचुएशन में से निकाला है, वरना पता नहीं उस वाले ट्रैफिक के अंदर हम लोग कितने घंटों तक फंसे रहते. नो डाउट रास्ता हम लोग का लद्दाख का एडवेंचर तो जम्मू से ही शुरू हो गया, तो फिलहाल हम लोग इस वाले रास्ते के ऊपर थे. कहाँ हम लोग 2:30 बजे तक घर पहुंचने वाले थे और अभी 2:30 बजे हम लोग को 1 hour 50 minutes का ETA दिखा रहा है, तो अभी भी 2 घंटे लगने वाले. तो पहुंचते पहुंचते हम लोग को 4:30 हो जाएंगे. तो सोचो हम लोग कल सुबह 7:30 बजे निकले थे रतलाम से और 4:30 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते. पता नहीं यार क्या हालत होगी, क्योंकि मेरे अंदर तो अब हिम्मत नहीं बची, मतलब पूरा बॉडी टूट रहा है, ऐसी हालत है. देखते हैं कैसा रहता है. एंड देन ये भी पूरा ऑफ रोड है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा प्रॉपर रास्ता है, पूरा ऐसा कच्चा रास्ता है. बट यार BRO को मानना पड़ेगा यार, मतलब ये सारा जो भी डेवलपमेंट दिख रहा है ना, ये सारा BRO का है. वो एक तो एक चीज तो कहनी पड़ेगी. फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू, 6 बजे है अभी और भाई टोटल हमारी 2 दिन के किलोमीटर जो है 2074.9 यानी 2075 किलोमीटर हुए हमारे 2 दिन के अंदर, है ना खतरनाक. तो भाई अपन पुणे से निकले, वहां से रतलाम गए, रतलाम से कोटा, कोटा से DME के थ्रू दिल्ली, दिल्ली से सो एंड सो फोर्थ. आप लोग ने पूरी जर्नी फॉलो की है और जम्मू आके भी क्या चैलेंज मिला वो आप लोग ने देखा. बट आई होप आप लोग को ये पूरा जर्नी अच्छा लगा होगा. 35 घंटे का ड्राइव कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, जरूर लिखिएगा कि पूरा ड्राइव कैसा था. बहुत हेक्टिक था भाई, बहुत हेक्टिक था. लास्ट के 150 किलोमीटर काटना बैंड बज गई थी. बट आई होप आप लोग को ये वाला जर्नी अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा आप लोग प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट करके बताइएगा पूरी जर्नी कैसे लगी. थोड़ी एक्सट्रीम हो गई ना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक श्योर यू लिव योर ड्रीम्स, लिविंग ड्रीम्स.